वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे हैं, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ देखिए, थोड़ा थोड़ा में बैगन, आलू और बड़ी की सब्ज़ी बना रहे हैं। और ये बड़ी बिहार से आई हुई है, उसी बड़ी का सब्ज़ी बना रहे हैं। और वैसे तो घर में सब्ज़ी है, लेकिन आज मन हो रहा था बड़ी का सब्ज़ी खाने के लिए, देसी का बनाए हैं। तो बस आप वीडियो बने रही है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर अच्छा लगेगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और सुबह का इतना बासी काम मैं ट्रेंड हो चुकी है, और मैं सिर्फ रोटी और सब्जी बनाऊँगी और नहा के पूजा दे दूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। चलिए फिर जल्दी जल्दी निकल लेती हूँ, फिर आपको देखिए। तो फ्रेंड्स, सभी का नाश्ता हो गया था, तो मैं नहाकर चली आई थी छत पे पूजा देने। और देखिए कितना सुंदर पेड़ पौधा ऊपर छत पे पापा जी लगाए हैं, और मेरा ड्यूटी है पानी देने का। और यहाँ देखिए एक नील फूल हुई है, तो मैं शिव जी को चढ़ाऊँगी। और चले फ्रेंड, ऊपर पूजा हो गई थी तो मैं नीचे आ गई हूँ रूम में, और रूम में आकर भी अच्छे से पूजा कर लूँगी। और जिस तरह मैं पूजा करती हूँ, बस वैसे ही डेली रूटीन। तो पूजा में हमारी हो चुकी है फ्रेंड, और यहाँ आरती कर लूँगी थोड़ा सा, बस चले जाऊंगी किचन में। और हमेशा तो किचन का ही वीडियो रहती है फ्रेंड, तो सोचिए आज क्यों ना पूजा करने का भी वीडियो डाल लूँ। बहुत दिन हो गई थी, तो यहाँ देखिए पूजा में कर ली हूँ। खाना बनाने, खाने में बना रहे हूँ मछली। हस्बैंड जी का बहुत मन था मछली लेने का, इस वजह से मछली बना रही हूँ। चावल बनाऊंगी और थोड़ा सा दाल भी सुबह बनाई थी, क्योंकि पापा को बिना दाल का नहीं होती है। और बड़ी आलू का सब्जी भी बनाई थी। और यहाँ देखिए मैं दही चूड़ा और चीनी और गुड़ ले ली हूँ, ये मेरी नाश्ता है। और उसके बाद लग जाऊँगी मछली बनाने में। बस आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, उम्मीद करती हूँ आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, हमारी नाश्ता हो गई है, और मैं खाई हूँ दही चूड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत है फ्रेंड, तो सोची थी दही चूड़ा खा लूँ, रोटी खाऊँगी तो थोड़ा हैवी हो जाएगी इस वजह से। तो मैं दही चूड़ा खा ली थी, और उसके बाद मैं बिठा दी हूँ चावल, तो राइस कुकर में बिठाई हूँ। तो जब चावल हो जाएगी तो राइस कुकर को हटा कर और जगह को मतलब साइड करके मैं मछली बनाऊँगी फ्रेंड। तो फ्रेंड, इधर देखिए मछली को मैं पहले ही काट कर रख ली थी, क्योंकि नहाने के बाद मन नहीं होती है काटने के लिए। तो मैं नहाने से पहले ही मछली को काट धोकर अच्छे से रख दी थी। और इसे टेंगड़ा मछली बोलते हैं फ्रेंड, और बहुत ही टेस्ट लगती है खाने में। और किस किस को छोटी मछली पसंद है ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और कितने हमारे फ्रेंड है जो नहीं खाती है, उसके लिए सॉरी फ्रेंड। लेकिन यहाँ देखिए मैं मछली बना रही हूँ, और नमक हल्दी ऐड कर दी, और अच्छे से मिला लूँगी और फ्राई कर लूँगी। और इससे पहले मैं गरम तेल में एक चुटकी नमक डाल दी हूँ, तो इससे मछली सड़ती नहीं है और अच्छे से फ्राई होती है। तो बहुत दिन से ही बोल रहे थे छोटी मछली बनाने के लिए, और पापा का भी फेवरेट है, हस्बैंड जी भी मैंने पसंद करते हैं, तो आज सोची थी बना लेती हूँ। और यहाँ पर सुबह सुबह मैं बर्तन धोई थी, तो वही मैं दिखा रही थी फ्रेंड आप सभी से। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी मैं मछली बना लेती हूँ। और जो डेली का मसाला होती है फ्रेंड, मैं वही पीसी हूँ, सरसों में नहीं पीसी हूँ, क्योंकि सरसों बहुत गर्मी होती है, इसी वजह से जीरा अदरक लहसुन प्याज यही सब पीसकर मैं मछली बना रही हूँ, और काफ़ी टेस्टी बनी थी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। जिस जिसको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर सारी मछलियाँ फ्राई हो गई थी, तो जीरा पंचफोरन देकर और दो आलू में काट कर रखी थी, तो इसे भी फ्राई कर लूँगी और पतला करके रस बनाऊंगी फ्रेंड। और मसाला भी मैं पीस ली हूँ, तो आलू फ्राई हो गई थी तो मसाला भी ऐड कर दी। और यहाँ देखिए मसाला का कलर कितना सुंदर लग रही है, तो मैं हमेशा पीस कर ही डालती हूँ, मतलब जीरा पाउडर धनिया पाउडर जो होती है मैं शायद ही कभी ऐड करती हूँ, नहीं तो मैं पीस कर डालती हूँ। और यहाँ देखिए पानी में डाल दी हूँ, उसके बाद मैं मछली देकर उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और कितने हमारे फ्रेंड है जो मछली पसंद करते हैं, कितने नहीं पसंद करते, लेकिन प्लीज़ हमारे वीडियो ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ मेरी मछली बन चुकी है।
और फ्रेंड यहाँ देखिए मछली बनकर तैयार है, आप सब भी आ जाइए लंच के लिए। तो आज का वीडियो बस छोटा सा ही डाली थी, आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।